हेलो, मैं हूँ पूजा बैनर्जी, यानी कि आपकी पीहू कपूर, और मेरे साथ है मेरे रियल लाइफ हस्बैंड संदीप सेजवाल, और आज हम दोनों साथ में मिलकर इफ्तारी कर रहे हैं। और फिलहाल हम टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ईद मना रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है, और मैंने दिल से जो चीज़ मांगी थी वो मुझे मिल गई। काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड से मिली नहीं थी, वो काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे थे। ये भुवनेश्वर में रहते हैं और मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और कुछ दिन पहले तक ये थाईलैंड में थे, उसके बाद भी मैं इनसे मिल नहीं पाई। तो मैं चाहती थी कि ये मेरे साथ ईद मनाने के लिए आ जाए, और इनको आई थिंक कल रात को ही बात करी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या प्लान है, और आज दोपहर को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ करके। तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा विश ये है जो पूरा हो गया है, और संदीप मेरे साथ आ गए और मेरे साथ मेरे सेट पे इफ्तारी मना रहे। आई थिंक ये इट्स अ वेरी गुड साइन। थैंक यू संदीप फॉर कमिंग। बहुत अच्छा हुआ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होके ये स्पेशल जो इफ्तारी है वो खोलते हैं एक साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इस बार मुझे ईदी मिली है, और ईदी मैं देने भी आया, 6 फुट की ईदी मिली है। वही मैं कह रही हूँ, 6 फुट की ईदी मिली है मुझे। बिरयानी बिरयानी बिरयानी, वैसे तो बिरयानी वाली ईद है नहीं, लेकिन पति देव ने डिमांड रखी है कि बिरयानी खानी है, तो भाई खानी है, तो ईद के दिन कल मैं बिरयानी बनाऊँगी। ऑनेस्टली मैं 26वां रोज़ा हर साल सेट पे करती हूँ, पर इस बार दरअसल जिस दिन 26वां रोज़ा था उस दिन यूनिट ऑफ था, उस दिन शूट नहीं थी, और आज मुझे रखनी पड़ी क्योंकि कल ईद हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मुझे आज मुझे इफ्तारी करनी थी। लेकिन आज कोइंसिडेंटली आज हमारे पूरे टीम मेंबर्स नहीं थे, सिर्फ रणदीप और नीति थे, तो मैं मिस कर रही थी कि पूरी टीम मेंबर अगर होती तो अच्छा लगता, अगर सारे टीम मेंबर्स होते एक साथ इफ्तारी करते तो मुझे अच्छा लगता, जैसा कि हर साल मैं करती आई हूँ, और वो नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, उनके लिए शायद सेवई वाली पार्टी हो जाएगी। नहीं, मैं अभी तक पूजा के हर सेट पे गया हूँ जहाँ पे भी इसने शूट किया है, पर लेकिन इस बार ही बड़े अच्छे लगते हैं। मैं पहली बार आया हूँ और मौका भी इतना अच्छा था कि इफ्तारी जो भी है वो पूजा ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, तो ऐसा सेलिब्रेशन मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी हमेशा ईद के टाइम पे मैं हमेशा या तो काम में बिज़ी रहता हूँ या कहीं पे कंपटीशन में कुछ बिज़ी रहता हूँ, बट लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, कैसे पूरा ग्रैंड और पूरा सेट के सभी लोग एक साथ आके एक ही टेबल पे खाना जब खाते, तो ये मेरे को भी याद दिलाता है जब हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए जाते थे तो हम लोग भी एक ही डाइनिंग हॉल में एक ही टेबल पर बैठ के हम लोग बहुत सारे टीममेट्स, और सिर्फ इंडिया के टीममेट्स नहीं, बाहर के और कंट्रीज़ के भी लोग आके साथ में खाते थे, तो वैसे ही माहौल मेरे को लगा और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देख के। आई नो इट्स यू नो व्हाट आई थिंक इफ्तार के टाइम पे एक मोर देन द रिलीजियस फेस्टिवल, बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है कि पूरे यूनिट मेंबर्स, चाहे वो लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, या एक्टर्स हो, या सेटिंग डिपार्टमेंट हो, आर्ट डिपार्टमेंट हो, हम सब एक साथ एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, और उससे बड़ी बात हो नहीं सकती आई थिंक, और वो उससे बड़ी बात टू सेलिब्रेट मतलब एक त्यौहार को सेलिब्रेट करने का उससे बड़ा कोई रीज़न हो नहीं सकता। आई थिंक द फैक्ट कि हम सब साथ में एक साथ टेबल पे खाना खा रहे हैं वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं, अभी मैं इतनी दूर से आया हूँ पूजा से मिलने के लिए, और कल तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो अभी मैं आ पाया हूँ इधर, आई थिंक इससे बड़ा पूजा के साथ नहीं, सिर्फ सना के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, त्यौहार साथ में मनाएंगे, साथ में बिरयानी खाएंगे, तो प्लान तो वही है। अ वेरी 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 हैप्पी ईद, सबको ईद मुबारक, और प्लीज देखते रहिए, बड़े अच्छे लगते हैं, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट, ओनली यू नो, थैंक यू, प्लीज नाउ यू हैव टू वॉच बिकॉज़ संदीप आई सेड, बिकॉज़ वो किसी को नहीं बोलते हैं।